सर। हाँ जी, तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग, यस सर। सर जब भी हम कंपनी में कुछ भी मतलब ऑब्जेक्ट सेट करते हैं उससे पहले क्या प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग से जैसे कब कैसे करना, कोई भी काम है कैसे करना है, कब करना है, उन सब का पहले ही सर प्लान कर लिया जाता है, जिससे उसको काम को करने में भी हेल्प हो और जो ज्यादा जैसे वेस्टेज भी ना हो, खर्च भी ना आए, तो इसमें हेल्प मिल जाती है। ओके, करिकुलम ऑफ कॉमर्स के बारे में बताइए आप। सर ये मैंने नहीं किया अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि स्पेशल पर्पज बुक क्या होती है? स्पेशल यस सर। पर्पज बुक, सर जैसे सर कैश बुक है हाँ जी, और ये बीआर बुक है, बिल रिसीवेबल बुक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल, जर्नल प्रॉपर, जो जैसे जो बड़ा बिजनेस होता है उसमें सर ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है, उनके लिए सबके लिए ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग बुक बनाई जाती है। ओके, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री किसको बोलते हैं? सर जैसे कैश कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक में क्या होता है कि जब एंट्री करते हैं जैसे बैंक में पैसा जमा करवाया तो उसमें कैश बैंक बढ़ जाएगा, तो कैश बैंक टू डेबिट होगा, तो उसमें क्या होगी कि कॉन्ट्रा एंट्री होगी, तो बैंक डेबिट साइड में जाएगा, टू कैश जैसे बैंक डेबिट हुआ तो टू कैश बैंक बढ़ जाएगा, इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट दोनों में एंट्री होगी, उसके बोलते हैं व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री। पेटी कैश बुक? यस सर। पेटी कैश बुक सर जैसे ज्यादा एक बिजनेस में ज्यादा खर्चे होते हैं तो उसमें क्या होता है कैश बुक के साथ साथ एक छोटी पेटी कैश बुक बना ली जाती है छोटे मोटे खर्चों के लिए, उसको बोलते हैं सर पेटी कैश बुक, उसमें हेड कैशियर मतलब छोटे कैशियर को मंथ में कुछ पैसे पहले ही मतलब खर्चों के कुछ पैसे दे देता है, जिससे वो हर महीने में जो भी खर्चा होगा उसके अकॉर्डिंग उसको और ओके, लास्ट जितना सरिता, खर्च। पैटी कैशबुक में ना एक वर्ड आता है, इम्प्रेस सिस्टम के थ्रू ऐसा होता है। क्या होता है ये इम्प्रेस सिस्टम? इंप्रेस सिस्टम ये सर जैसे सर जो जितना खर्चा हुआ है ना वो खर्चा होने के बाद जितना पैसा बच गया उस जितना खर्चा हो गया वो दोबारा हेड पेटी कैशियर को देता है, जिसको जिस पूरे सिस्टम को ही सर इंप्रेस सिस्टम बोलते हैं, जो जो हेड कैशियर दोबारा पेटी कैशियर को देता है उसको री इंप्रेसमेंट ओके, बोलते हैं। द मीनिंग ऑफ पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री बताइए कि हम जर्नल एंट्री यस सर। की पोस्टिंग कहां पर करते हैं? जर्नल में सर नहीं, जर्नल एंट्री के बाद कौन सा अकाउंट बनाते हैं? जर्नल एंट्री के साथ बाद सर वो लेजर। लेजर। अच्छा, एक तो आपने बताया था कि सर जैसे बड़ी कंपनियां होती है वो जर्नल एंट्रीज की बजाय सब्सिडरी बुक या स्पेशल पर्पज बुक ये रखना प्रेफर करती है, तो ये ऐसा क्यों होता है कि बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब्सिडरी जर्नल क्यों रखती है? उसका पर्पज क्या है? सर अपने जो ट्रांजैक्शन इजी हो जाती है, जल्दी सर पता चल जाता है कितना मतलब सेल हुई है, कितनी परचेज हुई है, इस वजह से कितना मतलब बीआर है, बीपी है, मतलब इजी हो जाता है सब, ज्यादा टाइम नहीं लगता है सर इस वजह से। ओके, तो व्हाट इज वेयर हाउसिंग? व्हाट इज वेयर वेयर हाउसिंग? हाउसिंग। यस सर। जब मतलब इंडस्ट्री में माल ज्यादा बन जाता है मतलब सेल इतना नहीं हो पाता या फिर सेल उस टाइम पे इतनी नहीं हो कर
मतलब आगे नहीं करनी होती, तो वेयर हाउस में माल को इकट्ठा करके रख लिया जाता है कि बाद में इसको मतलब कि जब भी इसकी डिमांड होगी तब उसको सेल करेंगे। और ये कई टाइप के होते हैं सर, जैसे प्राइवेट वेयर हाउस है, पब्लिक है, बॉन्डेड वेयर हाउस है, इस तरीके से गवर्नमेंट वेयर हाउस है। पब्लिक वेयर हाउस क्या होता है? पब्लिक वेयर हाउस में सर प्राइवेट पार्टी अपना वेयर हाउस बनाती है और इसको गवर्नमेंट के अंडर मतलब गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। और जैसे फी लेते हैं सर प्राइवेट पार्टी, कोई अगर कोई रेंट पे अगर वो वेयर हाउस लेता है तो। तो अगर इसको प्राइवेट पार्टी बनाती है पब्लिक वेयर हाउस को, तो पब्लिक प्राइवेट वेयर हाउस क्या होता है फिर? वो खुद के यूज के लिए होता है सर, जैसे प्राइवेट कंपनी खुद के यूज के लिए अपना प्राइवेट वेयर हाउस बना लेती है। ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है? सर ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसे जैसे टाइम ज्यादा लगता था, कॉस्ट ज्यादा आती थी, बिजनेस में सब ट्रांजैक्शन वो इजी हो गई है, सब कस्टमर तक पहुंचना इजी हो गया है, कॉस्ट कम आती है, टाइम कम लगता है, तो उससे व्हाट इज हमें आउटसोर्सिंग? हेल्प। आउटसोर्सिंग सर जब कंपनी कुछ नॉन कोर एरिया पर मतलब के लिए किसी थर्ड पार्टी को अपना जो काम है वो दे देती है, मतलब कि खुद कंपनी कोर एरिया पर मतलब ज्यादा अटेंशन लगाकर ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, ज्यादा मतलब फोकस के, इसलिए ओके वो ये बोला कि आउटसोर्सिंग करते टाइम एथिकल कंसर्न को आप कैसे देखते हो, मतलब एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आउटसोर्सिंग के बारे में कुछ बता पाओ तो आप। यस सर। मतलब जब भी आउटसोर्सिंग थर्ड पार्टी को जब भी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या फिर किसी, तो उससे क्या होता है कि मतलब इन्वायरमेंट पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, समाज को भी जो समाज के को ध्यान में रखकर मतलब कि जो भी कार्य है वो किया जाए, नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े समाज के ऊपर वो सब। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सर जब बिजनेस जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर इशू करते टाइम कंपनी जब कंपनी शेयर इशू करती है उस टाइम पे कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना होता है, जो 90% होता है जितने शेयर इशू किए हैं उस कैपिटल का, शेयर कैपिटल का 90% पहले, उसके बाद ही कंपनी मतलब अलॉटमेंट करती है शेयर सभी शेयर होल्डर को। ओके सर अंडर राइट होता है इसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर नहीं होता है तो अंडर राइटर इसको फिर कंप्लीट कर देता है। ओके व्हाट इज मीन्ट बाय डिवेंचर? डिवेंचर किसको बोलेंगे? डिवेंचर क्या होता डिवेंचर है? सर ये डेट होता है एक तरीके से, एक जिसपे डेट है सर कंपनी के लिए, जो बाहर से उधार लेती है कंपनी और डिबेंचर इशू करके पैसा लेती है ज्यादा टाइम के लिए, इक्विटी में भी ले सकती है बट इसमें डिबेंचर में ज्यादा टाइम के लिए कंपनी पैसा ले लेती है, जिससे ये एक वो है सर मतलब डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कॉमन सील लगी होती है, तो ये उसको डिवेंचर बोलते हैं। ओके डिवेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। डिवेंचर को कोलेटरल यस सिक्योरिटी सर के रूप में इशू किया जा सकता है, क्या मतलब है इसका? सर एक मुझे अच्छे से क्लियर नहीं है बट थोड़ा थोड़ा याद है कि कोलेटरल सिक्योरिटी वो है जब वो डिबेंचर इशू करते हैं उसके साथ सिक्योरिटी रखी जाती है मॉर्गेज के रूप में, कि अगर कल को अगर पेमेंट ना करे पार्टी डिबेंचर होल्डर अगर कंपनी को, तो उसको सेल करके फिर उसको सिक्योरिटी को सेल करके उसको फिर ओके अमाउंट को
वर्कर्स के। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? व्हाट इज स्टैंडिंग प्लान? स्टैंडिंग प्लान सर अभी मुझे रिमाइंड नहीं है सर। ओके। व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? यस सर। सर कंपनी कंपनी जब समाज में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाती है, समाज को ध्यान में रखकर जो अपना रूल रेगुलेशन बनाती है उसके अकॉर्डिंग समाज पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, अपना लाभ मतलब कि इस तरीके उसको बोलते हैं सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन या सी कंपनी? कंपनी कॉरपोरेट सोशल जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टर्नओवर पहले मैं बोल लेता हूं, कॉरपोरेट यस सर सोशल टर्नओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, 5,000। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी कंपनियों को फुलफिल करना कंपलसरी है? यस सर। सर जिसकी टर्नओवर 5,000 करोड़ से ऊपर है और नेट वैल्यू 500 करोड़ से ऊपर है और सर बस इतना ध्यान। ओके। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, सर अभी ध्यान नहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताइए कुछ। सर। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे नए फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी 1968 में, उसके बाद सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में और उसको ही फिर अभी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, जिसको 2024 तक इसको लागू कर दिया जाएगा। इसमें एक फॉर्मूला है 5+3+3+4 का, जिसमें 4 स्टेजेस हैं, फाउंडेशन है, प्रीपेटरी स्टेज है, मिडल है और सेकेंडरी स्टेज है। इस तरीके से सर जैसे 5 को 3+2 में डिवाइड कर दिया है, मतलब 3 में बाल वाटिका और 2 में फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, और जैसे मिडल उसमें प्रीपेटरी में सर एग्जाम फर्स्ट टाइम लिए जाएंगे ओके। और कब मिडल में कब वोकेशनल। इम्प्लीमेंट हुई न्यू एजुकेशन पॉलिसी? कब से? 2020 में तो है, स्टार्ट कब से हुई से दो थी? हजार चौबीस या 2019 या 20 से सर मुझे अच्छे से याद, यहाँ पे सर थोड़ा डाउट है। कैपिटल ऑफ हरियाणा, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ से चंडीगढ़। फादर ऑफ हरियाणा? फादर ऑफ हरियाणा ध्यान नहीं सर। चलिए, यहां पर करते हैं हम अपना इंटरव्यू का एंड। सरिता, जिस जिस चीजों पर आपको काम करने की जरूरत है, सबसे पहले तो ऐसा स्टार्टिंग में आपने सही बताया सब, लेकिन आउटसोर्सिंग के रिगार्डिंग आपने आउटसोर्सिंग तो बता दिया, लेकिन मैंने एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा तो आप थोड़ा सा वो ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पाए। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे बोल सकते हो कि सर, लाइक जब हम आउटसोर्सिंग करते हैं तो उससे लेबर के एक्सप्लोटेशन होने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि हम अपना काम बाहर वाले से करवा रहे हैं। पहला तो ये, यस सर यस एक सर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है सर, मेल फीमेल का आउटसोर्सिंग यस का। सर जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे कि स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग लगा लो आप, जितने भी हॉस्पिटल वगैरह होते हैं वो सारे आउटसोर्सिंग करते हैं, और आउटसोर्सिंग का मतलब ठेके टाइप मान लो आप, ठीक यस है? सर यस सर समझ तो गए। उससे इसके अलावा डिवेंचर के बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं बता पाए। डिवेंचर आपने थोड़ा बहुत तो बताया, लेकिन डिवेंचर आपको पता है एज ए लोन की तरह ही हम ट्रीट करते हैं, लाइक एक राइटर होते हैं अपने। और ये आपने बोला सर, ये ज्यादा टाइम के लिए इश्यू किए जाते हैं, नहीं, इक्विटी ज्यादा, इक्विटी तो लाइफ टाइम होते हैं, ये सिर्फ 10 साल के लिए इश्यू किए जा सकते यस हैं, ठीक है? कि यस ये सर ध्यान यस रखना आपको। और एक कोलेटरल सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन पूछा था, कोलेटरल का मतलब होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी,
भाई आप किसी चीज पर लोन लेते हो तो प्राइमरी सिक्योरिटी आप कुछ और रखिए और डिवेंचर को सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में आप इश्यू यूज करवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ स्टैंडिंग प्लान की, दो तरह के प्लान आप मान के चलो, सिंगल यूज प्लान जो एक ही बार यूज होंगे, लाइक बजट बनाना, साल में एक बार बना दिया फिर इसको इम्प्लीमेंट करो। स्टैंडिंग प्लान का मतलब जो हर बार रिपीटेटिव यूज नेचर पे यूज होता है, खासकर जो टेक्निकल या फिजिकल टास्क होते हैं वहां पर ये यूज किया जाता है, इसके अंदर इसको हम स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं, जैसे कोई भी मेथड इंप्लीमेंट करना। इसके अलावा जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, आप ये बिल्कुल भूल गए कि एक मैनेजर कितने सबोर्डिनेट को एक साथ अपने नीचे हैंडल कर सकता है, सर ठीक है। रिवाइज नहीं किया अभी 12th का, आपने प्लस वन में बोला हाँ, था तो मैंने प्लस वन और किया। दूसरा कि सीएसआर के बारे में आपने थोड़ा सा गलत बताया है, सीएसआर के बारे में जो टर्नओवर है वो आपकी दे रखी है 1000 करोड़, ठीक है, नेटवर्थ 500 करोड़, और नेट प्रॉफिट जो था वो आपका 5 करोड़ होता है, ठीक है। जो कंपनियां ये क्राइटेरिया पूरा करती है उसको अपने प्रॉफिट का 2% देना पड़ता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, हर साल इसमें अमेंडमेंट होता रहता है, 21 में हुआ, 22 में, 23 में, 24 में, ऐसा। और आपका कुल मिला के एक ये था फादर ऑफ हरियाणा, सर छोटू राम को बोलते हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज करके रखिएगा। अभी तो आप ये मानो कि अभी तो एक ही यूनिट आपसे करवा रहे हैं, तो 4-5 देंगे तो फिर तो और भी ज्यादा होगा ना, थोड़ा सा अभी से मेहनत करना थोड़ा स्टार्ट कर दीजिएगा। आपने, आपको अगर कुछ पूछना है तो वो पूछिए जी, फिर इंटरव्यू को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट इंटरव्यू में सर क्या मतलब नेक्स्ट आप इंटरव्यू जैसी ये वो भी कर एक सकते हैं यूनिट दी गई है, ऐसी 5 यूनिट एक साथ दी जाएगी, उससे अगले में 5 से 10 दी, 10 यूनिट दी जाएगी, क्या 5 से 10 यूनिट कौन सी सर, जैसे कोई सिलेबस भी हो सकता है, मैं आपको वगैरह? बता दूंगा ना कौन सी क्लास है। जैसे मैं बोल दूं कि 1 to 5 या 5 to 10 या 3 to 8, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखिएगा, क्योंकि अभी जो ये यूनिट थी इसमें ठीक ठाक ही था, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जहाज का बहुत अच्छा गया आपका, लेकिन थोड़ा इसको रिकॉल कीजिएगा। ये इसीलिए दिए जाते हैं कि ताकि आप देखें भी क्या पढ़ सकते हो, ठीक है। ठीक है, ओके जी, ओके थैंक यू सर। सरिता।